नमस्कार, मेरा नाम शिशिर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाने की नई योजना को लेकर के। इसके पहले आपको ये समझना होगा कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, उसका आधार क्या है, उसके लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनका नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, और आपको ये भी समझना होगा कि आखिरकार उधार की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो सबसे पहले अगर आप ये समझें बजट के बीच का अंतर, एक आम आदमी का बजट और एक आम बजट, इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए। सबसे पहले अगर आप आम आदमी के बजट की अगर आप बात करेंगे, हम आप जब बजट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपने आमदनी के ऊपर जोर देते हैं कि हमारी कमाई कितनी होगी और उस हिसाब से हम खर्च तय करते हैं। हमारी कोशिश यह होती है कि हमें कर्ज ना लेना पड़े, हमारी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च ना हो। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो हमें ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। पुरानी कहावत है, पांव उतना ही फैलाइए जितनी लंबी चादर हो, और यह भी कहते हैं ना कि घी पी करके जो है आप फायदे में नहीं रह सकते हैं, तो आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आम आदमी का बजट इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कमाई कितनी है, उसकी आमदनी कितनी है, और उस हिसाब से वो खर्च तय करता है। अब सरकार के बजट की बात करें, जिसको हम आप आम बजट के तौर पर जानते हैं, केंद्र सरकार के बजट को, जिसको हम लोग जनरल बजट या यूनियन बजट कहते हैं, जो कि आमतौर पर पहली फरवरी या फरवरी के पहले दिन जो है वो पेश किया जाता है लोकसभा में। आम बजट को बनाने के समय क्या होता है कि सरकार सबसे पहले तय करती है कि उसे खर्च कितना करना है, और खर्च कितना करना है ये अगर तय हो जाता है तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि कमाई के रास्ते क्या क्या हैं। अब देखिए, अंतर ये हो गया ना, हम आप जब बजट बना रहे थे तो हमने क्या देखा, हमने पहले तय किया कि हमारी कमाई कितनी है और फिर उस हिसाब से हमने खर्च तय किया। सरकार ठीक उल्टा चली जाती है, वो पहले खर्च तय करती है और फिर आमदनी के रास्ते ढूंढती है। तो यहां पर एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जब आपके पास खर्च पहले तय करें और कमाई के रास्ते फिर आप बाद में तय करेंगे, ढूंढेंगे, तो इन दोनों के बीच अंतर आ जाता है। और इन दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए, इन दोनों के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए विकल्प क्या है? सबसे सरल विकल्प तो आप यही कहेंगे कि खर्चा घटा दो, या फिर आप कहेंगे आमदनी बढ़ा दो। ये दोनों उतना आसान नहीं होता, ये दोनों काफी ही मुश्किल वाला काम होता है, और कुछ हद तक जो है आप इसके जरिए आप अपने घाटे को कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर घाटे को कम करने के लिए, या घाटे को माफ कीजिएगा कम करने के बजाय मैं अगर कहूं घाटे को पाटने के लिए जो सरकार व्यवस्था अपनाती है उसे हम कहते हैं जो बोरोइंग यानी कि उधारी, और जो सरकार का घाटा होता है उसे हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। तो राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए सरकार कुछ हद तक उधार लेती है, कुछ और स्रोत भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा होता है वो उसके लिए वो उधारी लेती है। कौन देता है उधार, आपके मन में पहला सवाल होगा, कौन देता है उधार? उधार देने के लिए हम आप भी हैं, बाजार में जो संस्थागत, जो अलग अलग संस्थागत निवेशक हैं, संस्थाएं हैं, वो भी उधार देती हैं, उनसे उधार लिया जाता है। और यहां पर जो उधार सरकार लेती है ये सबसे सुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित इस संदर्भ में क्योंकि इस पर मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार देती है, और सरकार डिफॉल्ट कर जाए या सरकार पैसा ना चुकाए इस बात की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो इसीलिए सरकार जब उधारी लेती है तो निवेशकों के बीच में, जमाकर्ताओं के बीच में, या जो लोग कर्ज देते हैं उनके बीच में एक विश्वास होता है कि सरकार डिफॉल्ट नहीं करेगी। अब आपके मन में अगला सवाल उठेगा कि सरकार कितनी उधारी लेती है। तो एक कानून है जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये तय किया हुआ है कि आपको कितना उधार लेना है। हालांकि ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो, कुछ विषम परिस्थिति बने, जैसे महामारी का समय था, या फिर मान लीजिए कि अकाल पड़ जाए, या फिर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, या जिनको हम नियंत्रित भी कर सकते हैं लेकिन उससे बहुत ज्यादा खर्च पड़ गया हो, तो वहां पर आप इस घाटे की जो सीमा
है वो आप उसको ब्रीच कर सकते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एफआरबीएम कहता है कि आपका घाटा इतना होना चाहिए और उस हिसाब से उधारी आप ले सकते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि ये सीमा आखिरकार तय क्यों की गई। देखिए, घाटा पाटने की एक और व्यवस्था क्या है, नोट छापना। आपका जितना घाटा हो नोट छाप दीजिए, कहानी खत्म। सबसे सरल है, सबसे आसान काम है। लेकिन जितने ज्यादा आप नोट छापेंगे उतने ज्यादा उसकी कीमत कम होती जाएगी। तो ये कोई आर्थिक तौर पर कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं मानी जाएगी। तो फिर यह है कि आप उधारी लें, और उधारी भी आपको बेतहाशा उधारी लेने की अनुमति दे दी जाए तो भी परेशानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप उधारी लेंगे तो जो कुछ भी आप कमाएंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको उधार को चुकाने या फिर उधार के लिए ब्याज चुकाने में चला जाएगा, तो उसकी भी सीमा तय करनी है। तो इसीलिए हमारे देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम लोग एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। और उस एक्ट के तहत, उस कानून के तहत इस बात पे जोर दिया गया है कि आप अपने घाटे को कितना रख सकते हैं ताकि आप अपने उधारी को सीमित कर सके। और उधारी को जब आप अगर सीमित करेंगे तो आपके पास संसाधन अतिरिक्त उपलब्ध होंगे जिसका इस्तेमाल आप विकास के कार्यों में कर सकते हैं। अब आपको मैं बजट के दस्तावेज का एक ये पेज दिखाता हूं। इस पेज में आप देखिए कि सरकार का जो कुल राजकोषीय घाटा है यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। यानी कि आपकी कमाई अगर 100 है और आप खर्चा कर रहे हैं 115, तो 15 की आप भरपाई कैसे करेंगे, वो जो अंतर है, वो जो घाटा है उसको आप कैसे पाटेंगे। तो एक तरीका यहां पर क्या है कि आप बाजार से उधार लेंगे। अब आप ये गौर करिए कि 15 लाख करोड़ में से लगभग 9 लाख करोड़ आप कहां से ले रहे हैं, बाजार से उधारी। और इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या माध्यम है, सरकारी प्रतिभूति या राजकोषीय हुंडी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि हम लोग जिसको जीसे कहते हैं, और टी बिल्स के जरिए आप इससे 15 लाख करोड़ का, जो कि 2021-22 जिस कारोबारी साल, जिस वित्तीय वर्ष में हम चल रहे हैं, उस 15 लाख करोड़ का लगभग 60-70% जो है, 2/3 के करीब में जो है वो आप कहां से ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं 2/3 कह लीजिए, 50-60% के बीच में, 2/3 से ज्यादा संख्या हो जाएगी तो मैं 50-60% के बीच में कहना प्रेफर करूंगा, वो आप ले रहे हैं उधार के जरिए। उधार आप कहां से ले रहे हैं, बाजार से ले रहे हैं। बाजार में कौन उधार दे रहा है, संस्थाएं दे रही हैं, व्यक्ति दे रहे हैं, उन दोनों को दे रहे हैं। अब उसके लिए क्या कुछ माध्यम इस्तेमाल किया जाता है वो आपको अगले स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं। अब अगर आप देखें कि सरकार उधारी किससे लेती है या सरकार आपसे पैसे लेती है तो सरकार आपको क्या देती है। अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी को कुछ पैसे देते हैं तो एक तो ये होता है कि एक आपका एक रिश्ता ऐसा है या कुछ ऐसे संबंध है, वहां पे आपने कहा कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बैंक में जाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, बैंक से कहते हैं कर्ज दो, तो बैंक आपको कर्ज किस आधार पर देता है, वो घर गिरवी रख लेता है या फिर जो गाड़ी है उसके कागजात अपने पास रख लेता है। जब तक आप पूरा कर्ज नहीं चुकाते हैं, कागजात कहने का मतलब कि उसमें ऐसा लिखा होता है कि ये गाड़ी के बदले में कर्ज दिया गया है, तो जब तक आप पूरा पैसा चुका नहीं देते हैं तब तक उसका मालिकाना हक पूरी तरह से आपके नाम पे नहीं आता है। तो यानी कि बैंक आपसे कुछ ना कुछ लेता है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, आप किसी से पैसा ले रहे हैं, तो उसके बदले में आप कुछ दे रहे हैं, जिसको आप कहते हैं गिरवी रखना कहते हैं, कोई भी चीज है। उसी तरीके से जब सरकार आपसे उधारी लेती है तो उसके बदले में वो जारी करती है प्रतिभूति यानी कि बॉन्ड आप कह सकते हैं। ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कुछ नहीं एक कागज है। अगर मैं बिल्कुल ही आम बोलचाल की भाषा में, कोई एक कागज है जिस पे लिखा हुआ है कि सरकार ने आपसे इतने पैसे उधार लिए हैं और इतने पैसे इतने समय में इतने ब्याज के साथ आपको चुकाए जाएंगे। उस पर बकायदा उस पर मुहर लगी होगी, उस पर दस्तखत होंगे। ये एक तरीके से गारंटी होगी कि आपने जो पैसे दिए हैं उसके चुकाने की व्यवस्था है। वो आप कागज का मोल क्या है, उस कागज के जरिए आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, ये भी सुविधा आपको दी जाती है। तो ये जो कागज है इसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग
संक्षिप्त में जीसेक के नाम से जानते हैं। अब ये जीसेक क्या है? ये जीसेक या सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार भी जारी करती है और राज्य सरकारें भी जारी करती हैं। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो जारी करती हैं, उसमें दो तरह की मियाद, मियाद यानी कि कितने समय के लिए आपसे वो उधार ले रही हैं। एक होता है अल्पावधि, यानी कि एक साल से कम, 365 दिन या 366 दिन से कम, ये आपने गौर करना है, 366 या 365। चूंकि हम लोग जब लीप ईयर में जाते हैं तो 366 हो जाता है, और जब सामान्य वर्ष में जाते हैं तो 365 दिन। तो 365 या 366 दिन से कम के लिए, कम की मियाद के लिए आपको बॉन्ड जारी किया गया है, वो आता है आपके अल्पावधि में। दूसरा जो आता है वो है आपका दीर्घावधि, दीर्घावधि यानी कि लंबे समय के लिए, वो एक साल से ज्यादा के लिए है। एक साल से जो कम की मियाद होती है, एक साल से जो कम के समय वाले जो बॉन्ड होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल या टी बिल। और एक साल से ज्यादा की मियाद वाली जो प्रतिभूति होती है, जो बॉन्ड होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज और टी बिल। तो आप दो ये शब्द ध्यान में रखिए, ट्रेजरी बिल 364 दिन तक के लिए, डेटेड सिक्योरिटीज एक साल से ज्यादा के लिए। केंद्र सरकार दोनों ही जारी करती है, थोड़े समय वाले भी, अल्पावधि वाले भी और दीर्घावधि वाले भी, जबकि राज्य सरकारें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दीर्घावधि वाले, लंबे समय वाले के लिए बॉन्ड जो है वो जारी करती हैं, वो खाली डेटेड सिक्योरिटीज जारी करती हैं। और जो राज्य सरकारें जो डेटेड सिक्योरिटीज जारी करती हैं, जो लंबे समय के बॉन्ड जारी करती हैं, उसको हम लोग SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें मूल और ब्याज दोनों ही, या इसको ये भी कह सकते हैं कि मूल और सूद दोनों ही चुकाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार ये गारंटी देती है। और सरकार का जो भरोसा होता है वो भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और यही वजह है कि जब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की हम बात करते हैं, वो सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। अब आइए ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल। ट्रेजरी बिल, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी मियाद एक साल से कम की होती है। एक साल से कम की मतलब है कि एक दिन से लेकर के 364 या 365, अगर लीप ईयर की बात करें, अमूमन 365 नहीं लिया जाता है, हम 364 पे ही सीमित रहते हैं। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा मियाद जो है वो 364 दिन की हो सकती है। इसमें तीन तरह के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। एक होता है 91 दिन के लिए यानी कि 3 महीने के लिए, दूसरा होता है 182 दिन यानी कि 6 महीने के लिए, और तीसरा जो होता है वो होता है 364 यानी कि पूरे एक साल से थोड़े कम के लिए। तो गौर रखिए, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि ट्रेजरी बिल एक साल से कम के समय के लिए जारी होते हैं, एक साल के लिए भी नहीं, एक साल से कम के लिए जारी किए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, है ना? आप हैरान हो गए कि भाई हम क्यों इसमें पैसा लगाएं, हमको जब ब्याज नहीं मिलेगा तो हम क्यों हम इसको खरीदेंगे, हम इसमें क्यों पैसा लगाएंगे। यहीं पर वो बात है, ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं, और जब इसकी मियाद पूरी होती है जो, तो आपको जो पैसे मिलते हैं वो फेस वैल्यू पे मिलते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे ये डिस्काउंट क्या है, फेस वैल्यू क्या है, आप इसको इस तरीके से समझिए, 100 रुपये का ये फेस वैल्यू है, यानी कि एक ट्रेजरी बिल हमने 100 रुपये का है जो कि 91 दिन के लिए है, ठीक है। अब इसको जब इसको जारी किया जाएगा तो 100 के बजाय इसको जारी किया जाएगा 95 रुपये पर, 5 रुपये का डिस्काउंट। लेकिन जब इसकी मियाद पूरी होगी तो जिसने पैसा लगाया है उसको मिलेंगे 100।
तो खरीदा कितने पे? खरीदा आपने 95 पे, बेचा आपने कितने पे? 100 पे, तो आपको मिला कितना? 5 रुपए का फायदा। यानी कि आपने ब्याज नहीं आपको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको फायदा है क्योंकि इसको डिस्काउंट पे आपको दिया जाता है, लेकिन जब इसकी मियाद पूरी होती है तो आपको पूरी की पूरी रकम चुकाई जाती है। ये इसका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है और यही इसके लिए कमाई है। तो थोड़े समय के लिए 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की मियाद के लिए सरकार जो बॉन्ड जारी करती है, जिसके बदले में वो उधार जुटाती है, वो डिस्काउंट पे जारी होता है और जब उसको आप बेचने जाते हैं तो वो आपको फेस वैल्यू पे आपको वापस किया जाता है। दूसरा क्या है? डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेटेड जीसेक, जिसको हम लोग कहते हैं। डेटेड जीसेक की मियाद जो है वो साल भर से ज्यादा है और 40 वर्ष तक के लिए। आप सोचिए कि एक आपके पास एक ऐसा बॉन्ड भी है जो आपको 40 साल तक एक निश्चित रकम पर ब्याज आपको देता रहेगा। अब आप इसको ये भी समझ लीजिए कि जब आप रिटायरमेंट की बात सोचिए, मान लीजिए कि आपने नौकरी शुरू की 21 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में, उस 22 साल की उम्र के समय में आपने क्या किया कि आपने कहा कि एक मैं बॉन्ड खरीदता हूं और मेरे पास मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने वो 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड ले लिया, तो उस 40 साल तक उस बॉन्ड पर एक निश्चित दर से आपको ब्याज हर साल मिलेगा दो बार में, और 40 साल जब पूरी हो जाएगी तो मूल रकम आपके पास वापस आ जाएगी। तो आप इसको ये भी समझ लीजिए कि आपके भविष्य की जरूरत के लिए यदि वो रकम अभी आपके पास अतिरिक्त पड़ी हुई है, वो आप 40 साल तक के लिए रख सकते हो, 40 साल तक उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। और वो ब्याज की दर आज जो तय हो जाएगी, अमूमन क्या होता है कि इसमें दो तरह के रेट होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स रेट और एक जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रेट। अमूमन जो है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ज्यादातर जो है वो फिक्स रेट वाली ज्यादा होती हैं, यानी कि एक दर उसके ऊपर तय हो जाती है। वो मान लीजिए 6% हो सकता है, 7% हो सकता है, 8% हो सकता है, जो भी हो सकता है, और वो आपको हर 6 महीने के जिसको कहते हैं ना छमाही, 10 रुपए का आपको भुगतान करना है, वो दो बार में 5-5 रुपए करके हम आपको भुगतान करते हैं। तो ये आपको 40 साल तक मिलता रहेगा। जो आपने 10 लाख रुपए दिए हैं वो 40 साल की उम्र पूरी होने पर वो 10 लाख रुपए वापस आ जाएंगे आपके पास। तो आपने 40 साल तक ब्याज भी कमाया और आपके पास मूल रकम पूरी की पूरी आपके पास वापस आ गई। मान लीजिए कि आप 40 साल के लिए नहीं चाहते हैं, 30 साल के लिए ले लीजिए, 20 साल के लिए ले लीजिए, 10 साल के लिए ले लीजिए, तो आपके पास अलग अलग मियाद की जो है वो बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। इसमें एक और सुविधा क्या है कि इसमें बाजार में खरीद फरोख्त हो सकती है, यानी कि जैसे शेयर बाजार की हम लोग बात करें उसी तरीके से इसका भी बाजार है जहां पर इस बॉन्ड को आप खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा शेयरों में दिलचस्पी होती है, जितने ज्यादा खरीदने और बेचने वाले शेयरों के होते हैं, उतने ज्यादा खरीदने और बेचने वाले इन बॉन्ड्स के नहीं होते हैं। तो वहां पर जिसे हम बाजार की भाषा में कहते हैं कि लिक्विडिटी की एक परेशानी होती है, यानी कि तरलता, यानी कि जब आप चाहें और आसानी से आप बेच लेंगे, वो बहुत आसान नहीं होता है, कई मामलों में दिक्कत हो जाती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक क्या कहिएगा, एक निगेटिव पॉइंट है, जहां पर मियाद पूरी होने तक आप अगर सोच करके चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में अगर आप निकलना चाहें तो वो उतना आसान नहीं होता है जितना आपके लिए शेयर बाजार के लिए है या म्यूचुअल फंड के लिए है। यहां तक कि बैंक में भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया, तो 5 साल के पहले आप निकालना चाहें तो आप एक निश्चित पेनाल्टी दे करके आप वो पैसा वापस निकाल लेते हैं। यहां पर उस तरीके की व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो खरीदने और बेचने वाले हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होती है। जैसा मैंने आपसे बताया कि मियाद पूरी होगी, उसके बाद आपको पूरी मूल रकम वापस, आपको ब्याज मिलता रहेगा, और तय मियाद के पहले आप बाजार में बेच करके जो है वो आप निकल सकते हैं। अब अगला जो आपके पास इसका जो है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड।
ये एक सरकारी प्रतिभूति है जो पिछले कुछ समय पहले ही कुछ साल पहले ही जो है वो शुरू की गई है और ये लोगों के लिए आम निवेशकों के लिए बहुत ही आकर्षक माना जाता है। इसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी होती है और इसका इसके लाने के पीछे की सोच क्या थी, इसके लाने के पीछे की सोच ये थी कि आपको सोना बिल्कुल भौतिक स्वरूप में चाहिए या सोना आपको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में चाहिए और जैसे जैसे उसकी कीमत में बदलाव होता है उस कीमत की बदलाव का भी आपको फायदा मिल सके। थोड़ा सा आपको लगेगा कि जब मेरे पास सोना फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो मैं बाजार की कीमत का फायदा कैसे उठा सकता हूं। तो सरकार के लिए दिक्कत उस समय क्या हो रही थी कि जब बहुत ज्यादा हम सोने का जो है सोने की मांग करते हैं, सोने का आयात बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम जितना कुछ कमा रहे होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा पेट्रोल डीजल पे खर्च होता है, कच्चे तेल पे माफ कीजिएगा खर्च होता है और फिर सोने के ऊपर खर्च हो रहा है। तो उस खर्च को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उस खर्च को कम करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की योजना शुरू की गई। इसमें होता क्या है, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। आप सोचिए कि आप किसी सराफा के दुकान पे जाएं और आप कहें कि आपको 1 ग्राम सोना लेना है तो वो इतना सहज नहीं होता। 1 ग्राम का सोना भी मिलता है, उसके भी आपके पतले से सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो उसका जितना जो होल्डिंग चार्ज होता है, उसको जो रखने की जो कीमत होती है वो कहीं ज्यादा होती है। और या फिर आप 4 किलो, 1 ग्राम से लेकर के 4 किलो तक, अगर आप छोटे निवेशक हैं, एक आम निवेशक हैं, तो 1 ग्राम से लेकर के 4 किलो तक का सोना बगैर किसी फिजिकल फॉर्म के, यानी कि 4 किलो सोना आपको होल्ड नहीं करना है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको घर में सोना रखना है या बैंक में आपको सोना रखना है तो बैंक में रखेंगे तो लॉकर के भी आपके चार्जेस चुकाने होंगे, घर में रखेंगे तो उसकी सुरक्षा को लेकर के हमेशा से चिंता रहेगी। लेकिन इसकी जगह पर अगर आपके पास ये विकल्प हो कि आप उसको ना भी खरीदें लेकिन उसकी कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का आपको एक उससे आप या चढ़ाव का जो है आपको फायदा मिल सके, तो ये एक विकल्प सरकार ने शुरू किया। हालांकि भारत जैसे देश में जहां पर सोने को लेकर के एक हमारी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है और एक हमारा एक जुड़ाव होता है, एक परंपरा हमारी रही है, चाहे बच्चे का जन्म हो या फिर शादी विवाह की बात हो और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी दान के समय में भी हम कुछ सोने के गहने देने की भी बात करते हैं कुछ मामलों में, तो जब इतना ज़्यादा जुड़ाव हो तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था लाना शायद बहुत आसान नहीं, बहुत सहज नहीं होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस स्कीम को, इस योजना के शुरू होने के बाद से जितनी भी इसके भाग आए हैं उन सब में निवेशकों ने बढ़ चढ़ करके इसमें पैसा लगाया है। ये 2015 में शुरू की गई थी, ये 8 साल की योजना है, यानी कि 8 साल तक आप जो भी पैसा देते हैं वो 8 साल तक उसमें लगा होता है, मियाद जिसको आप कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया ट्रेजरी बिल का तो 1 साल से कम, फिर हमने डेटेड सिक्योरिटीज की बात की 1 साल से ज्यादा और 40 साल तक का, और यहां पर जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसकी मियाद जो है वो 8 साल की होती है। ये भी सरकार की उधारी का एक माध्यम है, सरकार जो उधारी लेती है वो उसका एक माध्यम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है। मियाद पूरी होने, अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि किस कीमत पर इसमें पैसा लगाया जाता है और किस कीमत पर मुझे पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि जो कीमत में बढ़ोतरी हुई उसका फायदा बगैर भौतिक स्वरूप में सोना रखे भी मिल सकता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, जो उसके लिए आधार है वो ये है कि मान लीजिए मियाद की तारीख पूरी हो रही है, मान लीजिए कि 20 नवंबर, तो 20 नवंबर के 3 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को क्या कुछ कीमत रही थी उसी कीमत के आधार पर तय होता है कि आपको कितना पैसा किस भाव पे आपका जो निवेश है वो वापस आएगा। अब मान लीजिए कि आपने 8 साल पहले, ये 2021 का साल है, मान लीजिए कि 8 साल पहले यानी कि 2013 में आपने 100 रुपए पे आपने सोना खरीदा और 2021 में ये कीमत हो गई 122 रुपए या मान लीजिए कि 200 रुपए। तो आपको अगर खुदरा बाजार में जाकर के आप सोना खरीद रहे हैं
तो आपको 200 रुपए प्रति 10 ग्राम का भी मिल रहा है, और यहां पर भी जो आपको वापस मिलेगा वो 200 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से ही मिलेगा। तो आपने भौतिक स्वरूप में सोना नहीं रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाजार की कीमत है उसके हिसाब से आपको वापस किया जा रहा है, आपका जो मूल रकम है वो आपको वापस हो रहा है। और इसके अलावा हर साल 2.5% की दर से ब्याज भी दिया जाता है, यानी कि 8 साल तक आपको 2.5% की दर से ब्याज, और 8 साल पूरी होने पर उस समय जो बाजार की कीमत होगी उस कीमत के हिसाब से आपको पैसा वापस किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपने डिजिटल माध्यम से किया है निवेश, इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 50 रुपए का छूट भी मिलता है, प्रति ग्राम 50 रुपए का छूट भी मिलता है। आप बैंक जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपए तक की नगद रकम है, ज्यादा की रकम चेक या ड्राफ्ट के जरिए। एक और बात महत्वपूर्ण है कि इस बॉन्ड पे ये जो आपके पास कागज है, इस कागज के बदौलत आप लोन भी ले सकते हैं। फिर यह है कि आपके मन में सवाल होगा कि टैक्सेशन का क्या हिसाब किताब है, कर का क्या हिसाब किताब है। तो जो कुछ भी आपको ब्याज मिलता है, यदि आपकी आमदनी जो कर के कानून है उसके हिसाब से कर के दायरे में आते हैं, तो ये ब्याज आपके आपकी आमदनी में जुड़ जाएगी और वहां पर आपको कर देना होगा। लेकिन जब मियाद पूरी हो जाने पे, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपए आपने लगाए थे, आज भाव 200 रुपए है, तो ये जो आप 100 रुपए आपने कमाया, जो आपका फायदा है, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कैपिटल गेन कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ पर यहां पर आपको टैक्स नहीं देना है। ध्यान रहे, ये पूंजीगत लाभ पर आपको कर कब नहीं देना है? 8 साल बाद। लेकिन अगर आपने 5 साल के बाद पैसा निकाल लिया जो आपने लगाया है, अब मान लीजिए कि 100 रुपए से बढ़ करके वो हो गया 160 रुपए, तो ये जो 60 रुपए का आपको पूंजीगत लाभ हो रहा है इस पर आपको कर चुकाना होगा। तो आपने देखा कि 8 साल तक अगर आप रखेंगे तो आपको कर नहीं चुकाना है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, अगर आपकी जरूरत है, आपको पैसे चाहिए, आप वो पैसा 5 साल के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो कुछ भी फायदा हो रहा है उस पर आपको कर देना होगा, और वो कर की दर 20% और 4% की दर से सेस भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा अगर आपकी कमाई एक निश्चित रकम से ज्यादा है। अब अगला जो माध्यम है वो है स्टेट डेवलपमेंट लोन या SDL। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि केंद्र सरकार की जब दोनों तरह की जो है वो प्रतिभूति जारी कर सकती है, अल्पावधि यानी कि 1 साल से कम के लिए भी, और 1 साल से ज्यादा और 40 वर्ष तक के लिए जो बॉन्ड है वो जारी कर सकती हैं। राज्य सरकारों को भी ये सुविधा है कि वो अपने खर्च और आमदनी के बीच के अंतर को पाटने के लिए उधार ले सकती है। जैसे केंद्र सरकार उधार लेती है, उसी तरीके से राज्य सरकारें भी उधार लेते हैं। और यहां पर आपके मन में सवाल होगा कि वहां पर क्या उधारी की कोई सीमा है? वहां भी सीमा है, और वहां पर हम लोग जो FRBM की हमने आपसे बात की थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट की, ये FRBM हर राज्य को भी लागू करना होता है। हर राज्य में अपने स्तर का भी FRBM है, लेकिन सबका जो बेसिक है, सबका जो आधार है वो बराबर है। वो ये कहता है कि आपका राजकोषीय घाटा 3%, यानी कि आपके सकल घरेलू उत्पाद, या जिसको हम लोग GSDP कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सीमा तय की गई है, और इस सीमा के तय करने के पीछे यही वजह है कि ना तो केंद्र सरकार का बजट बिगड़े, ना केंद्र सरकार के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब बिगड़े, और ना ही राज्य सरकार के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब बिगड़े। आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार आज जितना भी कमाती है, मान लीजिए जितना भी बजट बनाती है, अब अगर मैं मान लीजिए कि इस साल की बात करूं जहां पर 35-36 लाख करोड़ रुपए जो है उसका बजट बनाया गया है, आप सोचिए कि इसका कितना हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में जा रहा है।
तो पता चलेगा कि लगभग आप समझ लीजिए कि इसमें से 7 लाख 8 लाख करोड़ रुपया जो है वो पुराने कर्ज को चुकाने या पुराने कर्ज के ऊपर ब्याज को देने में जा रहा है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी रकम पुराने कर्ज को चुकाने में चला जा रहा है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि विकास के काम के लिए आपके पास जितना पैसा होना चाहिए या जितनी उसकी जरूरत बनती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, और इससे नुकसान ये है कि आपके विकास के ऊपर असर पड़ता है। तो जरूरत यह है कि आप अपनी उधारी को कैसे कम कर सकते हैं। उधारी को जितना कम करेंगे आपके लिए उतने ही पैसे उपलब्ध होंगे विकास के कार्य के लिए या पूंजीगत खर्च के लिए, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, या इवन की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने अपने कर्मचारियों को आपको तनख्वाह देनी है। अगर आप सोचिए कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़े तो आपके लिए परेशानी कितनी बढ़ जाएगी। तो ये बात चाहे केंद्र हो या राज्य हो, दोनों जगहों पर ये सबसे बड़ा एक चीज है जिसको आपको याद रखना चाहिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि राजकोषीय घाटे को आपको कहां तक रखना है, कितना तक आप रख सकते हैं, और अगर ये सीमा पार हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या है, उसमें कितना ज्यादा आप अतिरिक्त पे जा सकते हैं, ये सब कुछ उस कानून में उसकी चर्चा की गई है। अब जैसे केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिभूति जारी की, बॉन्ड जारी की, जिससे कि वो कर्ज जो है वो ले सके, उसी तरीके से राज्य सरकारें जो जारी करती है वो लंबी मियाद की होती है। हर प्रतिभूति पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की प्रतिभूति होती है उसी तरीके से राज्य सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज की दर तय है, 5% है या 6% है, इतना ज्यादा आपको देना है। और यहां पर मियाद जब पूरी हो जाएगी, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल जो भी है, वहां पर आप उस रकम को, जो मूल रकम है वो आपको मिल जाएगी, और उसके पहले जितने समय तक के लिए आपने होल्ड किया, जितने समय तक आपने अपने पास उस बॉन्ड को रखा है, आपको हर साल छमाही के हिसाब से आपको जो है वो ब्याज मिलता रहेगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि इस पर कमाई कैसे होती है। तो एक होता है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? कूपन रेट का मतलब ये होता है कि हर प्रतिभूति के ऊपर हम एक ब्याज की दर रखते हैं। ये ब्याज की दर 5% हो सकती है, 6% हो सकती है, 7% हो सकती है। और इसका जब कैसे आपको पता चलेगा कि कितना कूपन रेट है, तो आप बॉन्ड को पढ़िए तो उसमें लिखा होगा 6% GOI 2031। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड जो है वो 2031 में उसकी मियाद पूरी हो रही है और उस पर हर साल 6% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा, वो उस पर लिखा हुआ होता है। तो ये कूपन रेट है, यानी कि आप इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ब्याज की दर है। दूसरा आपके पास कमाई का रास्ता क्या है? दूसरा इसमें है कैपिटल गेन, यानी कि अगर आप बाजार में जाते हैं, मान लीजिए, और बाजार में आप इसको खरीदते या बेचते हैं, जिस कीमत पर आपने खरीदा, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए पर खरीदा है और बाजार में आप इसको 103 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको दो फायदा, दो तरीके से आप देखेंगे। कैसे? एक तो यह है कि आपने जितने समय तक आपने बॉन्ड होल्ड किया, मान लीजिए 2 साल 3 साल तक के लिए किया, तो आपको ब्याज मिलता रहा, और उसके बाद जब आप बाजार में बेचने गए तो 100 में आपने खरीदा था, 103 में बेचा, तो ये आपके लिए 3 रुपया जो है ये आपका कैपिटल गेन है, यानी कि पूंजीगत लाभ है। तीसरा जो है कि जो आपने ब्याज कमाया ये 3 रुपया है, इस 3 रुपये को आपने दोबारा निवेश कर दिया, दोबारा आपने लगा दिया, तो यहां पर जो आपकी कमाई होगी, मान लीजिए आपने इसको लगाया, इस पे आपको 1 रुपया और मिल गया, तो ये आपका 1 रुपया अतिरिक्त कमाई है, जो कि ब्याज के बदले जो, या ब्याज के दोबारा निवेश करने पर जो आपकी कमाई होती है। तो ये 3 तरीके हैं, एक जो कि कूपन रेट यानी कि सामान्य ब्याज, फिर दूसरा कैपिटल गेन यानी कि बाजार में आपने जिस कीमत पर आपको बॉन्ड मिला है उससे कहीं ज्यादा पे आप उसे बेच रहे हैं, उसका जो अंतर होगा वो आपका पूंजीगत लाभ है, और जो आपका लाभ हुआ है उस लाभ पे या जो आपने ब्याज है
उसको अगर आपने दोबारा निवेश किया है उससे जो आपकी कमाई होती है वो आपके लिए तीसरा स्वरूप है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए सरकारी प्रतिभूतियों से कमाई होती है। अब आपके मन में अगला सवाल होगा कि इस प्रतिभूति की, ये जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, इनकी बाजार कीमत तय कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कितना हमको ब्याज मिलने वाला है, उसकी किस तरीके से एप्रिसिएशन के चांसेस हैं, बाजार में किस तरीके से बढ़ोतरी के चांसेस हैं, महंगाई की दर क्या रहने वाली है, ब्याज की दरों में जो सामान्य ब्याज की दर की व्यवस्था है उसमें किस तरीके की बदलाव होंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमने जो 100 रुपये लगाया है इस 100 रुपये में हमको कितना हद तक कमाई हो सकती है। तो उसका एक हिस्सा तो बहुत सामान्य है जो कि आपका सामान्य ब्याज का दर है, जो कूपन रेट है, उसके अलावा बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें किस तरह का बदलाव हो रहा है वो भी उसमें जोड़ जाता है। तो कैश फ्लो में यानी कि नगद के प्रवाह में हम यही देखते हैं कि उसमें कितने नगद मिल सकते हैं। 100 रुपये हम अगर लगाते हैं तो 100 रुपये पे हमारी कमाई कितनी हो सकती है, उसके आधार पर हम उस बॉन्ड की कीमत बाजार में तय करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब ब्याज दर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत घट जाती है। ब्याज दर बढ़ गया यानी कि बॉन्ड की कीमत घट जाएगी, और जब ब्याज दर घटेगा तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाएगी। इन दोनों के बीच में जो है, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आप इसको ये भी समझ लीजिए कि जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो क्या होगा कि बाजार में ज्यादा लोग पैसा देने को तैयार होंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि हम आपको आपकी जमा पर ज्यादा ब्याज देंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पैसे उस जगह पर लगाने के लिए तैयार होंगे। और जब ब्याज दर घटेगी तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड की जो कीमत है उसमें इस वजह से बढ़ोतरी होगी कि कम ब्याज दर आपको मिल रहा है लेकिन उस बॉन्ड पे जो कीमत रखी हुई है वो कीमत ज्यादा है। मान लीजिए कि 7% बॉन्ड पे ब्याज लिखा हुआ है और बाजार में ब्याज की दर घट करके 6% से घट करके 5% पर आ गए तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे 7% के लिए। तो ये होता है हिसाब किताब कि ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत घटेगी, यानी कि आपको अगर ये विकल्प उपलब्ध है जहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो आप बॉन्ड में क्यों लगाएंगे, और जहां पर आपको ब्याज दर कम मिल रहा है और बॉन्ड पर कूपन रेट ज्यादा है तो आप उसको हासिल करना चाहेंगे, आप उसको खरीदना चाहेंगे। ये पूरा का पूरा गणित है बॉन्ड की कीमत और ब्याज दर का। आप सीधे सीधे एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो बॉन्ड की कीमत घटेगी, इसका मतलब यह हुआ कि बाजार में ज्यादा लोग पैसा लगाने को तैयार हैं क्योंकि ब्याज दर बढ़ गया है, आपके पास विकल्प ज्यादा है जमा जुटाने के। और जब ब्याज दर घट जा रहा है तो इसका मतलब है कि विकल्प सीमित हो जाएगा और बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड पे जो रिटर्न है वो पहले से ही ज्यादा है तो लोग उसको खरीदना चाहेंगे, उसमें पैसा लगाना चाहेंगे, उसकी डिमांड अचानक बढ़ जाएगी। और यहां पर लोग बॉन्ड की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनको दूसरे स्रोत से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ये हिसाब किताब है, थोड़ा सा तकनीकी तौर पर आपको थोड़ा सा जटिल लगेगा लेकिन सीधे सीधे समझ लीजिए कि आपको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा आप वहीं पे पैसा लगाना चाहेंगे। ये बाजार का मूल सिद्धांत है। और जब पैसा आपको कहीं और मिल रहा है, ए और बी का अगर हम बात करें, अगर ए पे आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो आप बी के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, और अगर ए पे आपको कम मिल रहा है तभी आप बी पे ध्यान देंगे। यही चीज होता है बॉन्ड बाजार में, यही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में। अब अगला मुद्दा जो आता है वो ये है कि क्या आम आदमी या कोई जो छोटा निवेशक होता है वो इनमें पैसा लगा सकता है। आज के दिन में ये बहुत आसान नहीं रहा है, अभी तक की जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा आसान नहीं है। पहले तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने हैं, फिर उसके बाद उसकी जो खरीदने और बेचने की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि निवेश इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, पैसा कमाना जो है वो काफी एक चुनौतियों वाला काम होता है, उसमें जब तक आपकी समझ बहुत अच्छी ना हो तो आपके गंवाने के आसार ज्यादा होते हैं, कमाने के आसार कम होते हैं।
तो अब अगर वो एक सरल और सहज व्यवस्था हम रखें जिससे कि कोई भी आम आदमी, कोई भी छोटे निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सके। देखिए आज के दिन में आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में तो आसानी से आप लगा सकते हैं क्योंकि इसकी तमाम बैंक जो हैं वो आपको ये सुविधा देते हैं और ये आप वहां पर जहां कहीं भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पे आप कर सकते हैं, और अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो आप वहां पर जाकर के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 20,000 रुपये तक नकद और 20,000 रुपये से ज्यादा है तो फिर आप चेक या ड्राफ्ट के जरिए जो है आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो होता है, बाकी जो हमने कहा कि लंबे समय के लिए है, 40 साल का बॉन्ड है या 40 साल का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है या फिर मान लीजिए कि 10 साल का राज्य सरकार का जो बॉन्ड है, इसमें पैसा लगाना है, क्या ये पैसा लगाना आसान है? और इवन की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी बात करें कि क्या पैसा लगाना और आसान कर सकते हैं, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना जो है वो शुरू की गई है जिसको कहा जाता है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। देखिए कई बार लोग कहते हैं ना कि आरबीआई में आप अपना बैंक का खाता नहीं खोल सकते, जाहिर सी बात है आरबीआई बैंक है लेकिन आप बैंक अकाउंट वहां पर नहीं खोल सकते, लेकिन ये खाता जो है ये आप आरबीआई के साथ खोल सकते हैं। और इस योजना के तहत जिसको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जो भी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता हूं, देखिए सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा क्यों लगाया जाए, इसलिए लगाया जाए क्योंकि एक तो ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है और दूसरी बात यह है कि इस पर आपको मूल और ब्याज दोनों मिलने की पूरी पूरी गारंटी है। ब्याज कम है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अगर जोखिम कम है तो आपका ब्याज कम हो जाता है। देखिए अर्थशास्त्र क्या कहता है, अर्थशास्त्र ये कहता है कि मुनाफा जोखिम का प्रतिफल है, यानी कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब सवाल उठता है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, उसकी भी एक सीमा रखनी होगी, और हर कोई जो है वो बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं होते। देखिए शेयर बाजार में या फिर किसी भी निवेश के माध्यम में जब दो आदमी कमाते हैं तो हो सकता है कि 200 आदमी गंवाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वो 200 आदमी गंवाते हैं इसलिए नहीं गंवाते हैं कि उनको समझ में नहीं है, बल्कि वो 200 आदमी इसलिए भी गंवाते हैं क्योंकि उन्होंने ऊंची कीमत पर निवेश किया या उन्होंने जोखिम से बढ़ चढ़ कर निवेश किया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जो दो लोग कमाते हैं इनके पीछे भी बहुत सारी वजह होती है कि ये कितना जोखिम उठाते हैं, कितना ज्यादा निवेश करते हैं, किस समय पर निवेश करते हैं, किस कीमत पर निवेश करते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ यही है कि जोखिम और मुनाफा ये दोनों के बीच के संबंध को ध्यान में रखना है। और एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय निम्न आय वाले व्यक्ति जो हैं या मध्यम आय वाले व्यक्ति जो हैं, इनके लिए सुरक्षित क्या माध्यम हो सकता है? ये सुरक्षित माध्यम में से एक जो है वो आपका सरकारी प्रतिभूति है जिसके जरिए आप सुरक्षित निवेश की बात सोच सकते हैं। ये अकाउंट आपने खोलना है, मान लीजिए कि जो कोई भी इस स्कीम में भाग लेना चाहता है, उस स्कीम में भाग लेने के लिए उनको इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा जो कि rbiretaildirectdebt.org.in। एक बार फिर मैं लिख देता हूं यहां पर rbiretaildirectdebt.org.in। ये एक वेबसाइट है जिस पे जाकर के आप अपना खाता खोल सकते हैं अगर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना है तो। और ये कोई भी जा सकता है बशर्ते कि वो KYC यानी कि नो योर क्लाइंट की शर्तों को पूरा कर रहा है, अपनी पहचान, अपना पता, अपनी सारी जानकारी उसके पास वो वैधानिक तौर पर उपलब्ध करा रहा है, तो उसके लिए इस वेबसाइट के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना संभव होगा। इस वेबसाइट का एक और जो एक कह लीजिए एक सकारात्मक पहलू है कि अगर आपको समझना है कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में कीमत कैसे तय होती है, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की व्यवस्था क्या होती है, तो इस वेबसाइट पर एक कॉलम, एक जगह है जो FAQ करके है। इस अगर आप FAQ पे जाएंगे तो आपको सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप ध्यान रखें, एक निवेशक के नजरिए से मत सोचिए, अगर आप
जानना चाहते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की दरें कैसे तय होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों की कीमत कैसे तय होती है, इन सारी चीजों को, इन सारे तकनीकी पहलुओं को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए इस वेबसाइट पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। और ये RBI का वेबसाइट है जिस पर आपको सरकारी प्रतिभूतियों को समझने में काफी आपको मदद मिल सकती है। तो सिर्फ आप इसको एक निवेशक के लिहाज से मत सोचिए, आप ये भी सोचिए कि अगर आपको अपने ज्ञान को, अपने जानकारी को बढ़ाना है तो वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी ये इस योजना जो है वो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने शुरू की है, और जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि निवेश के लिए अभी हमारे पास क्या है, बैंक जाते हैं, इंश्योरेंस जाते हैं, म्यूचुअल फंड जाते हैं। अभी क्या होता है कि अगर आपका पैसा, मान लीजिए कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने लगाया, वो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट आपके, आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाता है, या मान लीजिए कि आपने पेंशन स्कीम में पैसा लगाया है, पेंशन स्कीम का भी जो पैसा, जो NPS हम लोग जिसको कहते हैं, इसका भी पैसा G-Sec में लगा, या फिर कई जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी भी आपका पैसा G-Sec में लगाती हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षित है। अभी तक ये इनडायरेक्ट है, अब इस इनडायरेक्ट के बजाय इस योजना के जरिए आप सिक्योर, आप सुरक्षित तरीके से सीधे सीधे आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिटर्न तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय के लिए आप यहां पर पैसा रख सकते हैं, तो ये दोनों के लिए फायदेमंद बात है। सरकार के लिए भी इसमें फायदे की स्थिति है, और इसमें जो निवेशक है उसके लिए भी फायदे की बात है। सरकार के लिए फायदे की स्थिति क्या है कि सरकार अगर मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि बुनियादी क्षेत्र में पैसा लगाना चाहती है, अभी जब बुनियादी क्षेत्र में जब पैसा लगाना होता है ये बहुत ही लंबे समय के लिए होता है। लंबा समय आप समझ लीजिए कि 30 साल भी हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है, तो 30 साल 40 साल तक के लिए पैसा कहां से आएगा? आपका अपना पैसा आया, और जो आपने उधार लिया अगर वो कम समय के लिए है तो जाहिर सी बात है कि ये योजना उतने समय तक नहीं चलाई जा सकती क्योंकि उसके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन अगर आपको 40 साल के लिए पैसा मिल रहा है तो वो 40 साल के लिए आप निवेश करने में आपको सहूलियत होगी। और एक छोटे निवेशक के लिहाज से सोचें तो उनके लिए ये होता है कि उनका पैसा 40 साल तक किसी एक ऐसे माध्यम में है जहां पर मूल और ब्याज दोनों की गारंटी है। इसीलिए इसमें सरकार का भी फायदा है, एक निवेशक के, एक आम निवेशक, एक छोटे निवेशक की बात करें उनके लिए भी फायदा है। ये सारा कुछ ऑनलाइन है, यानी कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के जरिए या फिर आप अपने जो आपका लैपटॉप है या आपके कंप्यूटर है उसके जरिए आप खरीद फरोख्त आसानी से कर सकते हैं। एक और चीज में क्या है कि जो भी इसमें पैसा लगा रहे हैं उनका सेविंग अकाउंट जो है वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो जिससे कि अगर आप मान लीजिए कि खरीद रहे हैं तो पैसा आपके खाते से सीधा वहां चला जाएगा, अगर आप बेच रहे हैं तो पैसा सीधा आपके खाते में वहां पर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी के जरिए जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे कर सकते हैं। अब आपको यहां ध्यान रखना है, एक व्यक्ति को हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती है, हर चीज की समझ नहीं हो सकती है, हर किसी की अपनी अपनी विशिष्टता होती है, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। उसके लिए आपको क्या है कि आपको समझना होगा, देखिए सरकारी प्रतिभूति में आप पैसा लगाएं उसके पहले, या कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है उसके पहले ये जरूरी होता है कि वो समझे कि आखिरकार सरकारी प्रतिभूति है क्या, सरकारी प्रतिभूति किस तरीके से काम करता है, सरकारी प्रतिभूति में जो पैसा लगाया जाता है उसका इस्तेमाल क्या होता है। अगर ये अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको इस माध्यम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि निवेश का फैसला, जमा करने का फैसला करने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि हमें उसको समझना चाहिए। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं और किसी के सुनी सुनाई बात पर हमने कर लिया वो ठीक नहीं, तो हमने आपको जितनी बातें बताई आप उसके आधार पर केवल ये ना कह दें कि चलिए हमने कह दिया कि ये सुरक्षित माध्यम है इसलिए सुरक्षित माध्यम है, आपको अपने स्तर पर भी समझना चाहिए।
और हो सकता है कि वहां पर जब आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे या उसके दस्तावेज को पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको हो सकता है कि शायद समझ में ना आए, क्योंकि जैसा मैंने हमेशा से कहा है कि अर्थशास्त्र और ये निवेश या जो पूंजी बाजार, ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही सरल और सहज भाषा में नहीं बताई जाती रही हैं और जिसकी वजह से लोग को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर उन चीजों को जाकर के आप समझ सकते हैं, और उसमें चाहे बात हम हिंदी की बात करें चाहे अंग्रेजी की बात करें, दोनों ही भाषाओं में जानकारी है। कुछ जगहों पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वहां पर भी उसमें भी जानकारी उपलब्ध है। तो हमेशा हम इसी बात की सलाह देते हैं कि किसी भी माध्यम को अपनाने के पहले उस माध्यम को समझे जरूर। ऐसा अगर आप नहीं करते, केवल सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं तो इसमें नुकसान होने के जो है कि जो आशंका है वो ज्यादा होती है। और दूसरी बात है कि अगर आप इसे अपनी समझ के लिए, अगर आप अपने अध्ययन के लिहाज से सोचे, ज्ञान के लिहाज से सोचे, जानकारी के लिहाज से सोचे, तो भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी गलत तथ्य को ना रखें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बातों पर भरोसा कर रहा है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो सही तभी आप कह सकते हैं जब आपके पास भी पुख्ता जानकारी होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसको विस्तार से समझिए। ये जो वेबसाइट्स हैं, आरबीआई की वेबसाइट्स हैं, इस पर जानकारी जो उपलब्ध है वो बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी और इससे आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि कितना पैसा लगाया जा सकता है। तो कम से कम 10,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपये, यानी कि जो केंद्र सरकार की, जो हमने टी बिल की बात की या फिर हमने डेटेड सिक्योरिटीज की बात की, इसमें आप कम से कम 10,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं। अगर हम एसडीएल की बात करें तो वहां पर कम से कम, जो राज्य सरकारों की बात है, हाँ राज्य सरकार की बात करें तो यहां पर भी 10,000 रुपये का कम से कम है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप बात करें तो जो इशू का आकार है, मान लीजिए कि 1,00,000 करोड़ रुपए का है इशू, तो 1,00,000 करोड़ का जो 1% होगा उतना पैसा आप यहां पर लगा सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कम से कम निवेशक, अगर छोटा निवेशक है तो उसके लिए कम से कम निवेश 1 ग्राम है, यानी कि 1 यूनिट आप लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर छोटा निवेशक है तो उनके लिए 4 किलो का है, यानी कि 4 किलो तक आप सोना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं। शुरुआती ऑफर में आप रिजर्व बैंक या राज्य सरकार से सीधे सीधे खरीद सकते हैं, और बाद में आप चाहें तो इससे बाजार से भी आप खरीद सकते हैं। मियाद जब पूरी होगी तो केंद्र सरकार, जो कि रिजर्व बैंक के जरिए आपको भुगतान करेगी, राज्य सरकारें आपको भुगतान करेगी, और उसके पहले अगर आप करना चाहते हैं तो बाजार के जरिए संभव हो पाएगा। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा निवेशक नहीं होते, बहुत ज्यादा खरीदने और बेचने वाले नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी मियाद पूरी होने के पहले जो है बेचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन कुल मिलाकर के इतना ही कह सकते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियां सरकार के उधार का जरिया है। इस प्रतिभूति के माध्यम से, इन प्रतिभूतियों के माध्यम से आप सरकार को उधार देते हैं और उसके बदले में आपको ब्याज मिलता है। ये एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है और इसी में सरकार को लंबे समय के लिए पैसा मिले और आम लोगों को, छोटे निवेशकों को एक लंबे समय तक के लिए सुरक्षित निवेश का माध्यम मिले, उसके लिए ये जो योजना शुरू की गई है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, हमने आपको इसके बारे में बताया। तो इसके पीछे 2 मकसद है। एक तो मकसद ये है कि आपके लिए निवेश के बारे में फैसला करने के पहले इन तथ्यों को समझने में आपको मदद मिले, और दूसरा तथ्य है कि आपको अगर जहां कहीं भी अपनी जानकारी मजबूत करनी है, बेहतर करनी है उधारी के बारे में, चाहे हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करें, और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए जो सरकार उधार लेती है, उस उधार की व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, वहां पर आम लोगों की किस तरह से हिस्सेदारी होती है, तो ये सारा जो आपके सामने हमने रखा वो उसी का एक ब्यौरा था। और हमें उम्मीद है कि इसके जरिए आपको उधार को समझने, उधारी की व्यवस्था को समझने और उसके बाद
उसे बेहतर तरीके से लिखने में, लोगों को समझाने में, उसके बारे में जानकारी देने में आपको मदद मिलेगी। और ज्यादा अगर आपको जानकारी इस बारे में लेनी हो तो आप RBI की वेबसाइट से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।